साथियों नमस्कार, सिजीजाब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में शिक्षक वर्ग दो के कितने पद रिक्त हैं, कितने पद भरे हैं, शिक्षा विभाग अर्थात DPI लोक शिक्षण संचालनालय से जब सवाल पूछा गया तो शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया है। आज मैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ी सभी प्रश्न आपके जो है हर सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियो से मिलेगा। तो साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, सचिव राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में शिक्षक वर्ग दो की जो छठवीं सूची है अर्थात छठवीं सूची की काउंसलिंग को पुनः प्रारंभ कराते हुए कट ऑफ रैंक जारी करने के संबंध में ये जारी हुआ है। आइए सबसे पहले बात करें, शिक्षा विभाग से 4-5 सवाल पूछा गया था छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ। सर्वप्रथम सवाल रहा शिक्षक भर्ती, देखिए यदि यह कि शिक्षक के पद पांचवें चरण की सूची तथा सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पद पर चौथे चरण की काउंसलिंग व भर्ती उपरांत कितने पद शेष बचे हैं। उत्तर क्या मिला था, शिक्षक पद की पांचवी चरण की काउंसलिंग में 915 पद शेष बचे, व्याख्याता पद की चार चरण की काउंसलिंग में 80 पद शेष बचे हैं और सहायक शिक्षक की जो नियुक्ति है वह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सहायक शिक्षक की अगली सूची जारी नहीं हुई है, वो कोर्ट में लंबित है। दूसरा प्रश्न जब पूछा गया तो दूसरे प्रश्न का क्या जवाब मिला कि यदि शिक्षक के छठवें चरण और व्याख्याता पद हेतु पांचवें चरण की काउंसलिंग कब से प्रारंभ की जाएगी। देखिए अब शिक्षक भर्ती 2023 में छठवें चरण और व्याख्याता और शिक्षक की काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो संचालनालय का कहना है कि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, शिक्षक भर्ती 2023 की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम इसकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को 21 जून 2024 को एक नस्ती के माध्यम से पत्र प्रेषित किया है। यदि छत्तीसगढ़ शासन स्वीकृति दे देती है तो हम इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः आगे बढ़ाएंगे, ऐसा करना है स्कूल शिक्षा विभाग का। तीसरा प्रश्न है जो कि काउंसलिंग को लेकर है, जैसे 1:1 में कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था तो प्रश्न है कि 1:2 या 1:3 में कैंडिडेट को बुलाया जाए। इस पर शिक्षा विभाग का कहना है कि हमने जो पोर्टल बनाया हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग का, वह पोर्टल जो है वो सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन हुआ है कि उसमें केवल 1:1 में ही बुलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें शाला आवंटित होता है। 1:2 में बुलाया जाना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है, इसलिए 1:1 में ही जो है काउंसलिंग किया जाता है। चौथा सवाल जो कि स्कूल शिक्षा विभाग को पूछा गया था वह कि आवेदकों के अनुसार शिक्षक पद के प्रथम चरण में 682 पद जो कि रोक दिया गया था, आखिर वो पद जो रोका गया था उसकी वर्गवार जानकारी दीजिए कि उसको कैसे समायोजित किया गया। तब शिक्षा विभाग का कहना है कि जो 682 पद है उनमें से अनुसूचित देखिए अनारक्षित में 96 पद था, अनुसूचित जाति में 74 पद, अनुसूचित जनजाति में 452 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 60 पद, कुल 682 पदों के रूप में समायोजित हुआ। पांचवा प्रश्न पूछा गया, भूतपूर्व सैनिकों के जो पद अर्थात अभ्यर्थी नहीं मिलता तो उन पदों को कैसे भरा जाता है, तो इस पर शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षक भर्ती 2023 में 18 भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान किया गया है और सभी 18 नियुक्तियां अनारक्षित पदों के विरुद्ध हुई है। प्रश्न छठवा कहना है कि यदि आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने पर एवं आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के उपरांत भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं होने से परीक्षा परिणाम की वैधता समाप्त हुई है, शिक्षा विभाग द्वारा सजग रहते हुए भी भर्ती प्रक्रिया को यदि प्रारंभ करती तो अगले चरण की काउंसलिंग भी पूर्ण हो जाती। इस पर शिक्षा विभाग का कहना है कि संचालनालय द्वारा प्रत्येक चरण की सूची का प्रकाशन शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार ही किया है और
अगली चरण की सूची के लिए शासन के तरफ से किसी तरह से हमको निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अगली सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। इस तरह से ये सवाल के जवाब हैं जो कि शिक्षा विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग के उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक के द्वारा ये जो जवाब है दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।